रूबेला टीकाकरण के बाद बच्चों के बीमार होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कड़ा सीएचसी के ख्वाज किमई पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 8 छात्र छात्राओं की तबीयत रूबेला के टीका लगाने के बाद बिगड़ गई। यही हाल सिरातू सीएचसी के तुलसीपुर गांव के प्राथमिक स्कूल का है। यहाँ टीकाकरण के बाद 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ख्वाज किमई स्कूल के बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो डॉक्टरों ने अपनी कार से बच्चों को अस्पताल ले गए। सिराथू सीएचसी में एक ही बेड पर कई बीमार बच्चों को एडमिट किया गया। टीकाकरण के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन डॉक्टर इसे सामान्य बीमारी बता रहे हैं। सीएचसी कड़ा के ख्वाज किमई पूर्व माध्यमिक विद्यालय में रूबेला टीकाकरण अभियान के तहत 187 छात्र छात्राओं को टीका लगाया जाना था। वहीं 154 को टीका लगाया जा चुका था, तभी अमित नाम के छात्र को उल्टियां होने लगी। अध्यापक व स्वास्थ्य कर्मी अमित को संभाल पाते तभी तक 6 और बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना पर उनके अभिभावक विद्यालय जा पहुंचे। वहीं अभिभावकों को देख बच्चे उनसे लिपट कर रोने लगे। सीएचसी कड़ा से डॉक्टरों की टीम विद्यालय पहुंची और बीमार बच्चों का उपचार शुरू किया। 4 बच्चों की हालत सामान्य हो गई, लेकिन 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी रही। एम्बुलेंस के लिए फोन किया गया, लेकिन घंटे भर बाद भी वह मौके पर नहीं पहुंच सकी। मजबूरन डॉक्टरों को अपनी कार में बीमार बच्चों को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। यही हाल सिराथू के तुलसीपुर गांव के प्राथमिक स्कूल में हुआ। यहां टीकाकरण के बाद 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बीमार बच्चों को सीएचसी सिराथू पहुंचाया गया, जहां एक ही बेड पर कई बच्चों को लिटाकर उपचार शुरू किया गया। कड़ा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नीरज पटेल का कहना है कि टीका सुरक्षित तरीके से लगाया गया है, बीमार बच्चों का उपचार किया जा रहा है, एक को छोड़ बाकी बच्चों की हालत सामान्य है। फिलहाल जिस तरह से टीकाकरण के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, उससे स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। फर्ज की मई में निजेला रूबेल का अभियान चल रहा है, तो इसमें किसी तरह की रिएक्शन नहीं हुई। हल्का एक बच्चे को उल्टी की समस्या हुई थी, मुझे सूचना मिली, मैं टीम लेकर आया, यहाँ पर देखा तो सभी बच्चे स्टेबल हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। कम से कम बच्चे 7 बीमार थे, कोई बच्चा सीरियस नहीं है। एक बच्चे को उल्टी की समस्या आई थी, बाकी सब स्टेबल हैं, उनको देख लिया गया है। किसी तरह की दिक्कत होती तो हम उसको हायर सेंटर पे सीएससी ले जाते हैं, बट ऐसी समस्या नहीं आई, सब बच्चे स्टेबल हैं, कोई किसी तरह का रिएक्शन का कोई साइन सिम्टम नहीं मिला। ये किस कारण से हुआ है? ये बच्चे कभी कभी डर जाते हैं टीका को देखकर, किसी किसी को तो फोबिया का हो जाता है, बाकी रिएक्शन का कोई साइन सिम्टम किसी बच्चे में नहीं मिला। जैसे चकत्ते पड़ना या कोई इस तरह की दिक्कतें कहीं पर दिखी नहीं, तो सभी कंट्रोल में, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? डॉक्टर नीरज सिंह, अधीक्षक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र कड़ा। सर जी, अभी दवा सुई लगी है, सर उसके बाद जी मतलाने लगा, सर उसके बाद थोड़ा उल्टी उल्टी लगने लगी, फिर धीरे धीरे सर बहुत तेजी दर्द करने लगा, सर ठंडी लगने लगी। आपको नाम? अमित।